यही तो चलेगा। अरे हटना, अरे रब नॉट दिखा जाते। अरे हाँ वॉकिंग ही लगा। अरे अभी जो पीछे ना मेरा सवाल है ना, निकाल दो जाओ। अरे जाओ से हाँ अंदर करेगा ना, अंदर नहीं बाहर ही करेगा भाई। हाँ अंदर कर देना ना। अरे अंदर क्या फटा। अरे हटो तो जल्दी जल्दी कर, थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो। आगे बोला थोड़ा सा, आगे आओ ना, थोड़ा सा और। क्यों भूख लगी कि भूख खा रही? भूख भूख लग रही ना, ब्रेकफास्ट नहीं वाला। इंसान भूख कैसे बर्दाश्त करे? एक मिनट एक मिनट। सैंडविच मंगा लो ना, वड़ा पाव के यहाँ पेट खराब है। यहाँ वड़ा पाव से आइए आइए, बस बस लो। कितने उर्फी जी, आज थोड़ी भूख में और थोड़ी बीमार हूँ, नहीं कैसे ठीक है। आइए जी बैक टू फ्रंट, दिग्विजय जी। पैंट एंड अ क्रॉप टॉप, बट आई वांटेड टू गिव आउट अ मैसेज ऑल्सो, लाइक बिकॉज एवरीथिंग इन द मीडिया दैट सेज लाइक हिंदू मुस्लिम का इतना चल रहा है ना, आई जस्ट वोर अ लॉकेट विद द सिंबल ऑफ अल्लाह एंड ओम टुगेदर। इंडिया में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम जिस तरह से होता है, ये डिबेट होती है या फिर जिस तरह से ऐसा बोला जाता है कि हिंदू सही है मुस्लिम सही है, एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगते ही रहती है, उस पर क्या कुछ बोलना है, ये कब चेंज होगा और या होगा या नहीं, क्या कुछ लगता है आपको? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सबसे। मान लो हम सब इस्लाम अपना ले, पूरी ह्यूमन काइंड इस्लाम अपना ले या हिंदुइज्म अपना ले या क्रिश्चियनिटी अपना ले, इससे फ़ायदा क्या है? इंसानियत को कोई फ़ायदा होगा? ह्यूमन काइंड को क्या? अगर हम सब हिंदू बन गए, सब मुस्लिम बन गए, सब क्रिश्चियन बन गए, तो क्या उसके बाद हम क्या कुछ, मतलब बनने के बाद क्या हम फ्लाइंग प्लेन इन्वेंट कर पाएंगे? वॉट इज़ द बेनिफिट ऑफ रिलीजन आई वॉन्ट टू नॉट ह्यूमन काइंड? नन, नन एट ऑल benefit. I don't know why are we going backwards. We should be concentrating on technology, science, education, other things, but we're just stuck in reverse, man. What do you think about the politicians? जिस तरह से वो भाषण देते हैं और हिंदू ये हिंदुइज्म फैलाते हैं, फिर मुस्लिम लोग उस तरीके से वो not just Hindu, Muslim leaders also do a lot of shit. Yeah, they speak shit like Islam को बढ़ावा दो. So my problem is not with religion. My problem is with extremism. एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का, इट्स नॉट गुड फॉर यू. रिलीजन्स वॉज सपोज टू बी दे वॉज सपोज फॉर द मतलब वो मैनकाइंड की यू नो बेनिफिट के लिए बने थे, बट अगर आप वही चीज़ आपको मार रही है तो क्या फ़ायदा है, ये बताओ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट कास्ट सिस्टम? यार क्या हुआ ना, इंसान कभी दूसरे से अग्री कर ही नहीं सकता है, ये तो तुम हिस्ट्री उठा के देख लो. अग्री नहीं हुए तभी रिलीजन आए, अब रिलीजन में भी अग्री नहीं हुआ तो कास्ट बन गया. अब ऐसा नहीं कि जो कास्ट वाले हैं आपस में एक कास्ट के वो भी साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है. आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग दैट डिफरेंशिएट्स अ मैन फ्रॉम अनदर मैन.
आई डोंट बिलीव इन पेट्रियार्की, आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स, आई डोंट पता नहीं यार, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बुलशिट. सो क्या आपको लगता है ये कहाँ पे हम लोग लैक कर पा रहे हैं, लैक हो रहा है ये इंडिया में, क्या कुछ लगता है? इंडिया ही नहीं, आई थिंक इट्स वर्ल्ड वाइड. अगर आप अमेरिका को उठा के देख लो तो हाल ही में वाइट सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा आ गई थी, एज इन कि यू नो वाइट्स आर बेटर देन द ब्लैक्स और द मैक्सिकन्स और वट एवर. सो इट्स जस्ट यू नो पीपल लाइक मोस्ट ऑफ अस वी आर फॉलोअर्स. Not everyone can be a leader and we need a thought process to follow. So politicians are feeding us that for their own benefit and we are just taking that in. So सबसे ज़्यादा fault किसकी लगती है या फिर क्या कुछ और बताना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा fault मुझे लगती है education system की, which is not right. I feel like people should be more educated also. Schools में भी बहुत ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए. So I feel it's the lack of education, that's the fault. मैंने अपने व्यूज काफ़ी ओपन रखे हैं दैट आई सपोर्ट दैट अ वुमेन शुड बी एबल टू वेयर वट एवर शी वॉन्ट्स एंड इट्स नॉट इवन अबाउट हिजाब. यू कैन नॉट डिनाई हर एजुकेशन, डोंट डिनाई अ वुमेन एजुकेशन बिकॉज वॉजंट दैट आर मेन मोटो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. आप बेटी को कैसे पढ़ने से रोक सकते हो? ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड बुरका जो पूरा कवर होता है उससे अगर प्रॉब्लम हो रही है दैट आई अंडरस्टैंड कि आप वो हटा दो, बट इफ शी जस्ट वॉन्ट्स टू कवर हेयर मे बी दैट्स फाइन. आई फील इफ आई कैन वेयर व्हाट आर द फक आई वांट देन दे शुड आल्सो बी अलाउड टू वेयर व्हाट आर द फक दे वांट. थैंक यू. Thank you.